बोलो कुछ बोलो। चाहिए है तो बोलो। हाँ चाहिए तो बोलो, फ्री है। लग रहा है मेरा ब्लॉग पंकज भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग तो एकदम शुरुआत जाते जाते ही शुरुआत हो रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तालाब। आज यहाँ पे फ्राइडे है, लेकिन एक्चुअली कल का बाज़ार है। एक्चुअली आज तो बाज़ार नहीं है, भैया लोग जा रहे हैं कुछ नया उन लोग का नाव लेने के लिए नीचे से, तो तालाबों होके जाना पड़ता है। तो इसी कारण मैं भी साथ ही साथ मार्केट जा रहा हूँ तालाबों, और मेरे को कुछ सामान वगैरह लाना है। सिंटेक्स लाना है मेरे को बाथरूम के लिए, और चावल लाना है, और सीमेंट का बोरी लाना है, बहुत सारा। सब लोग आ चुका है, पैसेंजर वगैरह भी, और मैं लोग ज़्यादा होगा बोल के सैटरडे को चॉइस नहीं किया था, तो मैंने फ्राइडे को चॉइस किया। फिर भी आदमी बहुत ज़्यादा है भाई, फिर भी आने के टाइम में इतना आदमी तो नहीं होंगे, दो तीन आदमी रहेगा शायद वहाँ पे। ये लोग अपना घर जा रहा है, यहाँ पे घूमने के लिए आता। तो टोटल हो गया लगभग हम लोग को 10-12 लोग। ज़्यादातर हम लोग का फैमिली है, भैया लोग, भांजे लोग और भैया का बेटी। अभी चलते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं आज से। भाई आज तो सीन अलग ही है, अलग लेवल का है। सैटरडे को इतना बोध भी नहीं होता है किसी किसी सैटरडे को। आज तो फ्राइडे है, ऊपर से आया है, नीचे से आया है, मार्केट जैसा लग गया भाई पूरा। आज इतना सारा बोध है, देखो भाई सब्जी वगैरह भी पूरा देख रहा है। देखो कोई बात नहीं, मैं अगर सब्जी वगैरह मिलेगा तो मैं भी लेके जाऊँगा। आज तो तगड़ा सीन है भाई, शनिवार को भी इतना भीड़ नहीं होता था, आज इतना भीड़ है, इतना सारा आया है ना ऊपर तरफ से, क्योंकि दूसरा गांव भी रहता है हम लोग का। गांव का ऊपर जो गांव रहता है ना, तो उस टाइम जो सैटरडे को नहीं आता है, इन लोग फ्राइडे को आता है ज़्यादातर। देखो सब्जी वगैरह लेके जा रहा है, कोई बात नहीं मैं भी सब्जी लेके जाऊँगा। कल लिया था मैं गाँव से, आज भी यहाँ से मिलेगा तो लेके जाऊँगा। ये देखो इतना सारा सब्जी लेके आया है भाई साहब। ये सामने जो देख रहा है ना, ये वाला जो देख रहा है, इसको बोलते हैं थोलोई, अपना वजह से एकदम बेम्बू से बनाया जाता है। आजकल ये बहुत ही चालू होता है, 1800 बोल रहा है एक। ये किसके लिए ज़रूरत पड़ता है, जब आप लोग धान काटते हो ना, धान काटने के बाद जो सुखाने के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आते हैं। तो हम लोग का काश में ज़्यादातर जो जूम कल्टिवेशन में ये एक मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा है, जो कि धान को सुखाने के लिए, धूप में सुखाने के लिए इसको, इसलिए बोलते हैं इसको थोलोई। भाई मैं सुबह बता रहा था ना, तो आज तो तगड़ा सीन है भाई, देखो पूरा सैटरडे से ज़्यादा हो गया भाई। सैटरडे मार्केट उस दिन इतना आदमी हुआ था नहीं, आज फ्राइडे में इतना आदमी हो गया है। ये देखो भाई साहब वीर वाह, सेकेंड हैंड सब्जियाँ भी, बहुत सब्जियाँ भाई। मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ फ्राइडे में इतना भीड़ मार्केट होता है बोल के। देखो सैटरडे ऐसा सेम भाई सेम। ओ आज तो जल्दी भीड़ हो गया, क्यों जल्दी भीड़ हो गया बोलने से, एक्चुअली उस दिन जब आया था हम लोग संडे को आया था, तो उस टाइम तो इतना जल्दी भीड़ नहीं था। अभी 7 भी बचा नहीं, हम लोगों ने लगभग 1 घंटा का सफ़र था हम लोग का गाँव से भाई। तगड़ा सीन तगड़ा, इतना भीड़ हो गया। देखो सब्जी वगैरह क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, 50 है क्या वो, 1 किलो है क्या वो, 1 किलो है सही है।
हम लोग का उधर 100 है, 1 किलो 50 बोल रहा है भाई। हम लोग का उधर हाँ नहीं नहीं वो स्नेल देख रहा हूँ मैं, प्लीज दाम पूछ के देख रहा हूँ, नहीं लूँगा बाद में जाके देखता हूँ। तो मैं तो कितना पूछता हूँ ना भाई, उस दिन हम लोग लिया था जब वो टिकलू भाई और अपने बिकी भाई, हाँ तो 150 भाई सेम प्राइस उस दिन जो पाया था हम लोगों ने। भाई बहुत अच्छा अच्छा सब्जी आज तो, बढ़िया बढ़िया सब्जी आया लेके आया रे मक्कर भी हूँ डॉक 80 रुपीज है किलो यू ना। पहले तो मेरा जो सामान लाना है ना भाई, लेना है ना वो सब सामान लेता हूँ, उसके बाद ही सब बाजार हुआ। यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ है लेकिन आगे में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली पैसा वगैरह निकाल लिया पहली बार तो, और यहाँ पे दे रहा है अमीर इंसान, देखो इतना सारा पैसा गिन रहा है, ये सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है काउंटर वाला। देखो पंकज भाई से जो है ना पूरा लूंगले जो आइजल और जितना भी यहाँ से गाड़ी वगैरह सर्विस करते हैं तो इसका काउंटर से ही टिकट वगैरह लेना पड़ता है पंकज भाई से, और सिलचर तक पूरा दे देता है ये, एक तरह का पूरा नोटिस का ये हैंडलिंग करते हैं पंकज भाई, इतना अमीर इंसान है। देखो रोज़ का रोज़ 2 लाख 3 लाख इसका इनकम है, हम लोग तो बहुत पीछे है भाई, इसका बहुत पीछे। एक ज़रा दिया क्या भाई, पंकज भाई को थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू भाई हाँ। और मेरा ब्लॉग देख रहा है देखो, और अभी चलता हूँ यार सामान वगैरह लेना है देखो। ये देखो देख रहा है मेरा ब्लॉग पंकज भाई। भाई मैं पहले सोच रहा था कि सब्जी वगैरह ले लेता हूँ, बाद में पूरा लोग लेके ख़त्म कर देगा, तो इसके लिए मैंने लिया है स्नैल, स्नैल 1 किलो लिया है भाई हम लोग का उधर 100 रुपीज़ से। हद ओके के जी 100 ओ मुँह तो दोन जाते भाई पोपट हो गया रे, मैं सोचा 50 रुपीज़ है, कोई बात नहीं फिर भी ले लिया तो लेना ही पड़ेगा 100 रुपीज़ से भाई। और कुछ लेना है 100 1 kg मुना चुम, कोई बात नहीं भाई मैं सोचा 50 रुपीज़ का है पूरा लेना है। एक सुंदर लड़की है देखो दोस्तों, किसको चाहिए कमेंट करके बताना, अभी भी सिंगल है इधर देखो, ये भी सिंगल है देखो, लेकिन 3 बच्चा है उसका, बोलो कुछ बोलो, किसको 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 सुंदर लग रहा है कमेंट करके बताना, चाहिए है तो बोलो, हाँ चाहिए तो बोलो फ्री है। मिर्ची ये कहाँ से मिर्ची लेके आया भाई, ये तुन मुरचुन मुरचुन हूँ तुन, बांग्लादेश तुन बांग्लादेश तुन बांग्लादेश का है भाई ये। हदौक्सीन के जी 1 पाव 50 रुपया है, मतलब किलो 200 रुपया। और ये लोकल वाला जूम कल्टिवेशन का, ये स्टिकी राइस भी लेके आया भाई रे, स्टिकी राइस हदौक्सीन दिए जी दर सर 2 किलो 150 रुपीज़ है, इसका मतलब 1 किलो 75 रुपीज़। नो जुमो नया सीजन का जो है भाई स्टिकी राइस का, जो नया जून का कल्टिवेशन का भाई, इतना सारा पत्ते क्या क्या है दुनिया भर का, लेकिन सेकेंड हैंड मस्त बिक रहा है भाई। पहली बार तो मैं सिंथेक्स लिया क्योंकि मोस्टली सिंथेक्स के लिए आया था मैंने, और सीमेंट एक बोरी लेना है और एक बंडी को सुखाना है ना, तो सीमेंट भी लेना है। उसके बाद जो सिंथेक्स लिया था भाई ने दिखा रहा है मेरे को, वो दूसरा उन लोगों का दूसरा गोदाम में आया हम लोगों ने, पहले वाला गोदाम में वो एक ही कलर का था ना, सारा सिंथेक्स रखा हुआ है देखो, ये कलर का था, मैंने 200 लीटर का लिया है भाई, 300 लीटर जो नहीं आते मेरा दरवाज़ा में, ये नहीं आते बाथरूम में, ये सही था यार। किधर है दूसरा कलर, ये अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, हाँ नहीं है, नहीं है यहाँ पे भी नहीं है। ये 200 लीटर का लिया है मैंने नहाने के लिए, जो नहाने का घर के अंदर रखने के लिए, नहीं है भाई नहीं खत्म हो गया, मेरे को ऐसा वाला कलर चाहिए था यार, अच्छा लगता है देखने, खत्म हो गया।
तो क्या करें? यही लेंगे, क्या करें? यही लेना पड़ेगा। हाँ नहीं लूँ तो क्या होगा भाई? मेरे को जो कलर अच्छा लगता है वो कलर है ही नहीं भाई, तो क्या करें? 200 लीटर का सिंटेक्स भी 200 लीटर का 1050 रुपीज़ है, 200 लीटर का इतना महंगा है। देखो वो कलर तो नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन जो कलर है वो लेना पड़ेगा भाई। अभी सुखा मछली का मैंने जो रोज़ हम लोग सीधोल खाते हैं ना, वो वाला ले लिया है। पहले तो भाई ये 100 था, अभी 200 हो गया, अभी 250 हो गया किलो। ये हाफ किलो मैंने लिया 130 का, 260 रुपीज़ का बराबर। और इसको बोलते हैं हम लोग आंगुर मास, और बहुत ही अच्छा है। केजी 1200 रुपया है भाई। ये ड्राई फिश और सुगनी बोलते हैं हम लोग, और ये सुखा हुआ झींगा। चुनो दोग भाई, भाई 100 रुपीज़ का है वो, 100 रुपीज़ का उतना ही है यार। इतना महंगा है ये सूखा वाला चीज़ें जो है ना, इतना महंगा होते इधर। भाई मैंने ड्राई फिश लिया है हाफ किलो, एक पाव 100 है भाई, लेकिन हाफ किलो लेने का मेरे को 180 में दिया है। ओ भाई इतना मुश्किल तो। मेरे को प्याज लेना है यार, चाचा है क्या प्याज? ये चुना दो, ये चुना दो, एक के जी आज ठीक है। एक किलो 80 रुपीज़ बोल रहे हैं हम लोग का, उधर भी मिलता है भाई। मैं किसी एक भाई से एक सीमेंट बोरी उधार लिया था ना दोस्तों, मेरा वो बाथरूम का छत पे नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं एक बोरी लिया है सीमेंट। टोटल मेरा 910 रुपया खर्चा होता है एक बोरी में। और भाई को मैंने रैंडम नहीं बोला है, मैं जो गो भी बंदा ये काम कर रहा है ना मेरे को वो सब दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई को मैंने बोला है कि एकदम रैंडम कि मेरा सीमेंट का बोरी ले लो भाई, जो भी है ले लो। सीमेंट का बोरी लेके जाएगा क्या वो बोल रहा है, लेके जाऊँगा। तो बाज़ार वगैरह तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है दोस्तों। एक्चुअली मैंने अभी टेम्परेचर चेंज किया है मेरा मोबाइल का, क्योंकि अभी मैं लेने जा रहा हूँ 5, और क्योंकि हम लोग का जो पानी आता है ना वो पाइप पूरा होल हो गया है, इसके लिए पानी इधर उधर जाते हैं। तो अभी मैंने जो टेम्पर ग्लास लगाया था, क्योंकि पहले वाला मेरा फटा हुआ था, और अभी मेरे को एक बहुत बड़ा मतलब टाइम आने से बताऊंगा मैं। यहाँ पे भैया ने बोला है कि दुकान को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, वो जब टाइम दुर्गा पूजा पहले जब टाइम होगा वो लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा। तो मैंने बोला फ्री में तो मैं कर नहीं दूंगा। उसने बोला नहीं नहीं फ्री में नहीं देंगे हम लोग, आपको पैसा देंगे, कितना चार्ज लेगा तो देखते हैं भाई, अगर टाइम आने से आप लोग को बताऊंगा मैं। आज तो इतना ब्लॉग वगैरह मैंने बनाया नहीं दोस्तों, तो एक्चुअली सब कुछ हो चुका है, 11:30 बज चुका है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, बाज़ार वगैरह भी सब कुछ हो चुका है। आज तो मैं कुछ खाया नहीं, खाली पान खाया है और मैंने टाइगर एग पिया है बस, उसी में से मेरा आज घर तक सफ़र रहेगा। तो चलते हैं। भैया लोगों ने नया बोट भी लिया है, ये वाला जो भैया मेरा बड़ा भैया जो पकड़ा है ना, तो वो नाव लिया है, खाली मशीन तो नहीं है, तो इसको पीछे में बांध के टांग के लेके जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम लोग उतरने के बाद। मेरा सिंटेक्स देखो, वो वाला है सिंटेक्स लिया है, सीमेंट लिया है, बहुत सारा बाज़ार लिया है मैंने, घर का सामान थोड़ा बहुत लिया है। और कल बप्पू का मम्मी आएगा शायद, मैं भी आऊँगा और एक बार घर का सामान लेने के लिए। देखो बहुत जितना भी आया था सब लोग, टाइम हो चुका है इसलिए जा रहा है।
तो फाइनली पहुंच गया है अपना गांव में भाई। बारिश हो रहा था, आते आते पूरा बिक के आ गया, सब बिक गया। देखो मेरा सीमेंट का बैग, वो तो मुश्किल होगा, कैसे क्या करेंगे। जो बुकने वाला वो भी आया नहीं, पहले ही आके मैंने तुरंत खाना खा लिया था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी मेरे को टाइम नहीं मिला था। बाद में मैं वो बोट का तो खराबी हो गया था ना, खराबी बोलूँगा, मैं रस्सी टूट गया था। उसके बाद मैंने जाके फटाफट जाके चना एक प्लेट और परोठा एक खाया है। उसके बाद भूख इतना लग रहा था मेरे को, आके पहले पेट पूजा किया, उसके बाद ही ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी क्या क्या चीज़ें लेके आया मैंने दिखा था भाई, इतना सारा सामान लेके आया। लगभग तो मेरा यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1500 का होगा सामान पक्का, हिसाब करने से पूरा 2000 के आसपास सामान है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें, क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों, इसीलिए। हाँ, ये भी 100 रुपीज़ और ये भी 150 रुपीज़। लहसुन बोलना चाहता ना, मेरे को पता नहीं था। और ऑयल लाया मैंने, और यहाँ पे प्याज लाया, एक एक करके दिखाता हूँ। पहले प्याज लाया, ऑयल लाया, और ये चिकन लाया मैंने 1/2 किलो, और ये खीरा लाया सिदोल, 130 रुपीज़ का है ये 1/2 किलो। हाँ, 250 रुपीज़ का, 260 है 1 किलो। बोलता है सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है वो। और ये गोभी 50 रुपया का, और ये ड्राई झींगा, और ये स्नेल पका हुआ बैंगन के साथ खाने के लिए लाया मैंने। और इसके लिए आटा, उस दिन जो भाई लोग आया था ना, उससे जब बनाया था अच्छा लगा पप्पू का उनको। और ये है खजूर, इसका फेवरेट लेके आया मैंने। और बीम लाया मैंने 4। टमाटर 70 रुपीज़ का, और यहाँ पे 1/2 किलो 180 का ड्राई पीस सुगनी। और यहाँ पे हाँ बापू के लिए पूरा बड़ा वाला लेके आया मैं 170 का, और उसके साथ मैगी मिला। देखो 4 तो है मैगी, एक इधर देखो ना, इधर एक नीचे में ना, वो फ्री मिला है इसके साथ। हाँ, इसके साथ फ्री। और लेस बापू के लिए, और भाई देखो केक, इतना सारा केक मैं ये खाऊंगा। ये बर्थडे केक जैसा है, 50 रुपीज़ का, इतना महंगा नहीं है ये, 50 रुपीज़। ये बापू के लिए 50 रुपीज़ का वो भी, और ये 20 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ का है, इतना महंगा। ये महंगा है, 60 रुपीज़ का है। और ये 20, ये भी 20, और ये सब वाला केक 2 20। देखो इतना सारा सामान लाया मैंने, और कल जाएगा ये ना, मैं फिल्टर लाने भूल गया यार, तो कल जाएंगे और एक बार मैं भी जाऊँगा, और ये भी जाएगा, दोनों जाएंगे के साथ, क्योंकि हम लोग कल एक बड़ा सीस अगर होगा तो, लेकिन बात नहीं बोलेंगे वो अभी नहीं, सरप्राइज रखेंगे। बस इतना ही लेके आया मैंने। और सिंटेक्स लाया मैंने, और सिंटेक्स यार एक पाइप लाया, और ये भी लाया पाइप, ये देखो, और दूसरा पाइप भी लाया ना मैं, एक लंबा वाला, और एल लाया। हाँ, वो उधर में है ना जो गैस पाइप ऊपर उधर, तो एकदम रात हो चुका है भाई। वहाँ से आने के बाद तो खाना मैंने खाया था, इसलिए भूख नहीं लगा। लगभग 3 बज चुका था, शाम हो चुका था पूरा, तो अभी रात 9 बज चुका है। थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, थोड़ा बहुत तो खाना, डिनर तो पूरा कोबिना में भी बनाया। कोबिना आज यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि हम सुबह बापू गाँव में, और मैं जाऊँगा और मार्केट, आज जो गया था वो भी मार्केट से, मार्केट में जाएंगे तालाबों में। और बहुत सारा सब्जी जो है हम लोगों ने लिया है, जो कि इसका मम्मी को भी भेजेंगे थोड़ा बहुत। और डिनर के लिए क्या क्या बनाया है भाई, ओ ये होनागुलो चटनी और मिर्ची अंडा के साथ बनाया है, और यहाँ पे पका हुआ बैंगन और स्नेल, और यहाँ पे मछली कल का सर, और यहाँ के सब का पट्टे बॉयल, और यहाँ पे चुकन पूरा ऐसे बनाया, इसमें टमाटर मिक्स नहीं किया, क्यों? बस को खट्टा लगता है ना, इसलिए नहीं किया।